सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, बहुत हाई है कि वो मुझे नर्वस कर रहा है और मुझ पे प्रेशर बना रहा है। लास्ट ईयर जो मैंने देखा था, मुझे मुनव्वर का जो वाइब था वो थोड़ा क्वाइट टाइप का है, शांत से बात करता है, शांति से चीजों को डील करता है, एंटरटेन भी करता है। मैंने डे वन में किसी इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे आंखों में तो ये विनर है, वो विनर निकला। वहां पे मुझे तेजस्वी की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी लगी। शिव ठाकरे ने भी मुझे यही बोला है कि एंजॉय योर 3 months ओवर देयर, हैव फन। कि आपका क्लैश हमें देखने मिल सकता है, कि आपको ऐसा लगता है माइनस माइनस प्लस भी तो होता है। ओके देखो, टॉपिक पे लड़ाई तो हो सकती है, ऐसा तो है नहीं मैं कोई संत गुरु तो हूँ नहीं कि मैं एकदम शांत मन में बैठी रहूंगी और तपस्या के मूड में रहूंगी, वैसा तो पॉसिबल है नहीं। Hi guys, this is Harshita Papale and you're watching me on Filmi Gyan. आज हमारे साथ है नायरा, जो जल्द ही बिग बॉस के घर में गृह प्रवेश करने जा रही है। Oh my God. कितनी एक्साइटेड है आप? काफी एक्साइटेड हूँ। अभी आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके ना मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, बहुत हाई है कि वो मुझे नर्वस कर रहा है और मुझ पे प्रेशर बना रहा है। बट आई एम ग्लैड कि आप लोग इतने खुश हो कि मैं जा रही हूँ, एंड इट्स इनकरेजिंग मी ऑल्सो। मैं नर्वस भी हूँ लेकिन मैं इनकरेज भी बहुत हो रही हूँ, एंड आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करो। I'm really looking forward to this show. लेकिन नायरा, इस गृह प्रवेश में इतना देर क्यों? आपको पहले भी ऑफर मिला था, आप अभी यही वाला सीजन क्यों आपने हाँ बोला? ये सीजन को चुनने के पीछे रीजन ये है कि इस वक्त मुझे अंदर से फीलिंग है कि मुझे जाना चाहिए। मैं सच कहूँ तो पहले प्रिपेयर्ड नहीं थी, जब मैंने बिग बॉस पहले कभी देखा नहीं था, तो मुझे इस शो के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और जो भी हम इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स देखते हैं वो सिर्फ उस एपिसोड के जो हाइलाइट पॉइंट होते, चाहे वो इमोशनल हो या अग्रेशन हो, वो ज़्यादा दिखते थे। तो मुझे लगता था कि ये शो शायद उसी के बारे में है, तो मेरा परसेप्शन इस शो को लेकर अलग था, विच इज़ नॉट द केस। यू ओनली शो द हाइलाइट्स ऑफ द शो, राइट? फिर उसके बाद जब मेरी दोस्त ऐश्वर्या गई, फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आई भाई अपनी दोस्त जा रही है, देखना पड़ेगा क्या कर रही है, कहीं कुछ मतलब वी जस्ट वांट टू नो हाउ इट इज, राइट? तो मैंने देखा, देखने के बाद मुझे समझ में आया गेम कि कैसे कैसे सिचुएशंस में डाले जाते हैं और गिवन सिचुएशन में आप कैसे उस सिचुएशन से डील करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। एंड कुछ कंटेस्टेंट को देख के आप इंस्पायर्ड फील करते हो, कुछ कंटेस्टेंट को देख के आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं शायद ये रियलाइज़ में कर रही हूँ और ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए दूसरों के सेंटिमेंटल को, और जो भी है आप काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलता है। तो उसके बाद मुझे ये एक्साइटमेंट मिली और मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबको इंस्पायर ही कर सकूं। इंस्पायर से बात करते हैं, आपने कहा कि कुछ कंटेस्टेंट इंस्पायर करते हैं, तो आपको बिग बॉस के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं? देखो, कुछ लोगों के थॉट प्रोसेस आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। मैंने लास्ट ईयर जो मैंने देखा था, मुझे मुनव्वर का जो वाइब था वो थोड़ा क्वाइट टाइप का है, शांत से बात करता है, शांति से चीज़ों को डील करता है, एंटरटेन भी करता है। मैंने डे वन में किसी इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे आंखों में तो ये विनर है, वो विनर निकला। फिर उसके बाद मैंने सीज़न फिफ्टीन देखा। सीज़न 15 पूरा नहीं देखा मैंने वहाँ तक देखा जहाँ पे जंगलवासी लोग घर के अंदर आ गए। वहाँ पे मुझे तेजस्वी की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी लगी, एंड शमिता जब समझती है एक पॉइंट को, परसेप्शन को जब समझती है, या फिर उसका जब स्टैंड सही होता है, वो कैसे अपने स्टैंड को लेकर लड़ती है, वो चीज़ मुझे पसंद आई। So I like these two qualities and that inspire, it didn't inspire me, I related to it. नायरा, क्या होता है कि आप जब बिग बॉस के अंदर जाते हैं आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि एक बिग बॉस तो आपके घर के अंदर चल ही रहा है, लेकिन बाहर जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है उसमें भी आपका कई अलग ही बिग बॉस चलता रहता है, उसके लिए आप कितनी प्रिपेयर्ड हैं? सी, प्रिपरेशन करके कुछ, मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, ये फैक्ट है जी, ये होगा। ट्रोलिंग भी होगी, तारीफें भी होंगी, ये एक फेज के बाद निकल भी जाएगा। तो आई एम नॉट गोना फील कन्फ्यूज, एंड मैं खुद को बांध के नहीं रखूंगी कि भाई बाहर क्या चल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि फिर आप इस शो में आए क्यों हो? आपकी बेस्ट आप अगर इस शो में ना, काफ़ी कुछ आपको खुद के बारे में भी सीखने मिलता है, यू नो, इवन वेन यू आर गोइंग थ्रू दीज सिचुएशन यू लर्न अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। ऐसा सिचुएशन तो मेरी लाइफ में आया नहीं, अब मैं इसे कैसे रिएक्ट करूँ विथ माई प्रिंसिपल्स, हाउ डू यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। ये आपको स्ट्रेंथ भी देती है और लोगों को इंस्पायर भी करती है। तो मेरा ये जो पॉइंट है, I'll try and do that and I'll not bother about what's happening outside because it will go away after a while.
नायरा, हमने आपको काफी कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, यहाँ तक कि भूत पिशाचिनी ऐसे भी कैरेक्टर हमने देखे हैं, लेकिन आपकी जो रियल पर्सनालिटी है बिग बॉस में, क्या वो स्विच होते हुए दिखेगी या आपकी कौन सी पर्सनालिटी हमारे दर्शकों को देखने मिलेगी? देखो, मेरी जो भी पर्सनालिटी है वो 24 hours 3 महीने के लिए कोई एक्टिंग तो नहीं कर सकता ना जी, तो जो भी है वही दिखेगा, जो सच है वही दिखेगा। मेरे जिन्होंने भी, आप लोग में से भी जिन्होंने मुझे पर्सनली सेट पे भी इंटरव्यू किया है, आपने जो पर्सनालिटी देखी है जो रियल है वही आपको दिखेगी जी। हाल ही में खबर आ रही है कि निया शर्मा भी पार्टिसिपेट करने वाली है, और फैंस का काफी कहना है कि आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा वाइब मैचिंग होती है, लेकिन उसमें लोगों को लग रहा है कि आपका क्लैश हमें देखने मिल सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है? माइनस माइनस प्लस भी तो होता है। ओके तो बात मुझे लगता आप लोग एक सोच सकते हो कि शायद माइनस भी होगा लेकिन प्लस भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आवर नेचर इज एंड हाउ मैच्योरली वी हैंडल थिंग्स, वो तो वहां जाके पता चलेगा। अगर किसी ऐसे मुद्दे पे बात करें कि जो एक नायरा टॉलरेट नहीं कर सकती कि इस टॉपिक पे आपकी लड़ाई हो सकती है, वो आपके लिए क्या होगा? देखो, टॉपिक पे लड़ाई तो हो सकती है, ऐसा तो है नहीं, मैं कोई संत गुरु तो हूँ नहीं कि मैं एकदम शांत मन में बैठी रहूंगी और तपस्या के मूड में रहूंगी, वैसा तो पॉसिबल है नहीं। बट मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं फालतू का चिल्लम चिल्लाना वो सब नहीं करूँ। देर आर मैनी वेज टू हैंडल अ सिचुएशन, पहले वो सारे अरब वेज जो है उसको ट्राई करूंगी, अगर नहीं हुआ तो देखेंगे कब तक कितना आर्ग्यूमेंट क्या आ जाता है, वो तो वहां जाके पता चलेगा। यू कांट प्रेडिक्ट और यू कांट से दैट मैं ऐसा ही करूंगी और वैसा ही करूंगी। आपको सलमान सर की प्रेजेस भी मिलने वाले हैं, वीकेंड के बार में कभी कभार डांट भी पड़ती है, उसके लिए कितना एक्साइटेड है आप? दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, प्रेज मिलेगा तो एनकरेजमेंट मिलेगी, डांट पड़ेगी तो सीखने मिलेगा, दोनों ही मेरे ही बेनिफिट के लिए पॉजिटिवली लूंगी, कोशिश करूंगी पॉजिटिवली लूं। और उनके साथ काम करने के लिए कितना जोश है? इट्स माय ड्रीम टू वर्क विद माय ड्रीम सुपरस्टार, वो ड्रीम फाइनली पूरा हो रहा है, उनसे इंटरेक्शन भी होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्टली नायरा, आपके फ्रेंड्स कई जिन्होंने बिग बॉस किया हुआ है, निशांत पारस, उनसे आपको क्या क्या फीडबैक मिला है कि जाने से पहले बिल्कुल प्रिपेयर किया गया है कि नहीं? नहीं, उन लोगों ने मुझे प्रिपेयर नहीं किया है, उन लोगों ने मुझे एनकरेज किया है जाने के लिए, उन्होंने मुझे बोला है कि तेरी जो पर्सनैलिटी है वो फुल ऑन इंजॉय करना अंदर, किसी ने मुझे ये नहीं बोला है कि ये मत करना वो मत करना, उन तीनों ने, शिव ठाकरे ने भी मुझे यही बोला है कि इंजॉय योर 3 months ओवर देयर, हैव फन, एंड जब प्रॉब्लम्स होती है, जब झगड़े होते हैं उस टाइम पे चुप मत बैठना, गिव योर ओपिनियन बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो, भले ही वहाँ पे फाइट हो लेकिन आप एक कंटेस्टेंट हो, बाहर के लोग आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, जस्ट डोंट बी क्वाइट, दैट्स ऑल दे सेड। ओके, ये हमारा एक टॉक शो था, हमारा एक सेगमेंट है हैशटैग शो, हम आपको एक नाम देंगे, आपको जल्दी जल्दी से एक हैशटैग देना है। ओह यार, ओके, मुनावर हैशटैग क्यूट, ओके, दिव्यांका हैशटैग पावरफुल, हिना खान हैशटैग बोल्ड, ऐश्वर्या हैशटैग क्यूट, रोहित शेट्टी चौपी, एक्चुअली चौपी, ओके, रोहित शेट्टी हैशटैग ड्यूड, डेवी हैशटैग प्रिटीनेस, शिव ठाकरे हैशटैग सुपरस्टार, ओके, मोनी रॉय हैशटैग गॉर्जियस, जेनिफर बैंकेट हैशटैग प्रिटी फेस, सलमान खान हैशटैग हैंडसम, ओ निया शर्मा हैशटैग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ओके, पेजू हैशटैग स्मार्ट, निशांत हैशटैग हैंडसम एंड क्यूट, वाओ, पारस चावड़ा हैशटैग ट्रू डूड, ओके, सिद्धार्थ शुक्ला हैशटैग रिस्पेक्ट, ओके, शहनाज गिल हैशटैग स्वीटी पाई, ओके। आपसे बात करके तो हमें काफी अच्छा लगा और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको। एक हैशटैग मेरे लिए भी दे दो। अरे आपसे मैं अपना पर्सनल एक हैशटैग दूंगी, क्यूटी और विनर बिग बॉस। थैंक यू, थैंक यू, बट आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। जाने से पहले एक प्यारी सी मूव तक हो जाए। Guys, thank you so much for voting for me. I am forever grateful and I'll try my best to get the trophy and make you guys proud. Love you. Girl power. Girl power. Thank you. Thank you so much. Yeah.